राव के जनता मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार न बनी कोई की और हमारों की जरूरत पड़ी तो हमें मंत्री अंतरी की ख्वाहिश तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है कि दमोह हमारी पथरिया में कृषि महाविद्यालय और केंद्रीय महाविद्यालय जो है जनता बच्चों के लिए आने चाहिए। तो आखिर रामबाई क्यों नहीं चाहती कि मध्य प्रदेश में बीजेपी या कांग्रेस को बहुमत मिले, विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर रामबाई ने ऐसा क्यों कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। दरअसल अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाने वाली दमोह जिले की पथरिया विधानसभा से विधायक रामबाई एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा उनके बयान की जिसमें उन्होंने कहा है कि वो नहीं चाहती कि बीजेपी या फिर कांग्रेस को बहुमत मिले। दरअसल मीडिया से बात करते हुए रामबाई बता रही थी कि वो विधानसभा क्षेत्र, जो विधानसभा क्षेत्र से वो आती है पथरिया, वहाँ के विकास के लिए वो क्या कुछ करना चाहती है। इस बीच रामबाई ने कहा कि वो नहीं चाहती कि बीजेपी या कांग्रेस की बहुमत की सरकार बने। उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि जो वोट मिले बीजेपी या कांग्रेस को, जिसकी भी सरकार बन रही हो, उनको उनकी ज़रूरत रहे, यानी कि रामबाई की ज़रूरत पड़े, और उन्हें कोई मंत्री पद नहीं चाहिए, लेकिन उनकी जो मांगे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र की वो पूरी होनी चाहिए। बनी थी इस पंचवर्षीय तो हमारी ख्वाहिश थी कि जो कृषि महाविद्यालय है और केंद्रीय विद्यालय, इसकी ख्वाहिश थी कि पथरिया के अंदर जो होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के कारण हमारे ये दो काम नहीं हो पाए। तो अगर ईश्वर को मौका या सरोवर परिस्थिति ऐसी बनी के फिर कहूँ यहाँ सो दो राव के जनता मतलब पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी कोई की और हमारों की ज़रूरत पड़ी तो हमें मंत्री अंतरी की ख्वाहिश तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन एक ख्वाहिश जरूर है कि दमोह हमारी पथरिया में कृषि महाविद्यालय और केंद्रीय महाविद्यालय जो है जनता बच्चों के लिए। आपको बता दें कि अपनी बात रखते हुए रामबाई ने कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव में इस बार फिर मध्य प्रदेश में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले, ताकि जो भी पार्टी सरकार बनाना चाहे उसे उनकी यानी कि रामबाई की जरूरत पड़े। उन्होंने कहा कि मैं अपनी शर्तों पर अपने क्षेत्र का विकास करूंगी, मैं मंत्री पद नहीं लेना चाहती लेकिन अपने क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका निभाना चाहती हूँ। आपको बता दें कि रामबाई चाहती हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर कॉलेज खोला जाए, साथ ही वो और भी विकास कार्य अपने क्षेत्र में करना चाहती हैं, और इसीलिए रामबाई ये उम्मीद कर रही हैं कि इस बार भी प्रदेश में विधानसभा चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे तब बीजेपी या कांग्रेस की को बहुमत की सरकार ना बने, बहुमत वाला आंकड़ा बीजेपी या कांग्रेस ना छुए, और जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उन्हें रामबाई की जरूरत हो। खबर दमोह से भेजिए सहयोगी शांतनु ने, और मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।